नमस्कार। तो कल ही हम आपको बता रहे थे कि कोरोना वायरस का वैक्सीन भले ही तैयार हो, पर आपको अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस बेहद खतरनाक है। और आज सुबह देखिए, अहमद पटेल जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनका देहांत हो गया। वो कई हफ्तों से कोरोना वायरस के बाद अस्पताल में थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, और आज सुबह उनका देहांत हुआ। कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता ही नहीं थे, सोनिया गांधी के सहयोगी ही नहीं थे। पर जो भी रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार की जाती थी, हमेशा अहमद पटेल का उसमें हाथ रहता था। कहा जाना पड़ेगा कि पिछले एक साल दो साल बहुत सारे वरिष्ठ जाने माने राजनीतिक नेताओं हमें छोड़कर चले गए हैं। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू करें, अब तक इतने सारे वरिष्ठ नेता, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, प्रणब मुखर्जी, रामविलास पासवान, तरुण गोगोई, जसवंत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, इतने सारे नाम हैं जो हम मैं बार बार कहता जा सकता हूँ। करुणानिधि को ले लीजिए, आनंद कुमार, इतने सारे लोग हमें छोड़कर चले गए। तो राजनीति के लिए ये जरूर एक काफी बुरा समय है जिससे हम गुजर रहे हैं। एक और चीज के बारे में मैं जरूर अभी जिक्र करना चाहूंगा, अगर आप तमिलनाडु में हैं या पुडुचेरी में हैं, तो वहां भी आप सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि आज रात साइक्लोन निवार जमीन को छूने वाला है। 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से वहां वायु चलेगी, जो खतरनाक हो सकती है। पिछले कुछ सालों में जब भी लोगों ने ध्यान दिया है, समुद्र से दूर रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, तो काफी लोगों की जान बची है। तो आज रात एक बार फिर अगर आप तमिलनाडु में हैं या पुडुचेरी में हैं, आप जरूर सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए अब देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ही चक्रवाती तूफान निवार की आहट सुनाई देने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार देर शाम निवार मल्लापुरम और कराईकल के बीच तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है, जिसके मद्देनजर एनडीआरएफ की तैनाती के साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी के तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। वहीं चेन्नई तट पर आपदा से बचाव के लिए भारतीय तट रक्षक पोत को तैनात कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने तो गुरुवार को 13 जिलों में छुट्टी का ऐलान किया है, साथ ही 7 जिलों में बस सेवा बंद कर दी गई है। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि विमान सेवा इंडिगो ने भी बुधवार को 49 उड़ानों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने तटीय इलाकों में 465 एम्बुलेंस को हाई अलर्ट पर रखा है और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बुधवार सुबह 3:30 पर निधन हो गया। अहमद पटेल एक महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे फैसल ने दी, जिसके बाद से ही पीएम मोदी, सोनिया गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और गहरा दुख जताया। गुरुवार को अहमद पटेल के पार्थिव शरीर को वडोदरा के उनके पैतृक गांव में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही पटेल की तबीयत लगातार खराब चल रही थी और वो लंबे समय से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। 71 साल के पटेल लंबे समय से कोरोना से जंग लड़ रहे थे, लेकिन बुधवार सुबह वो इस लड़ाई को हार गए। उनके निधन पर पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित तमाम नेताओं ने भावुक संदेश लिखे हैं। हो भी क्यों ना, कांग्रेस ने बीते 4 दशकों में जितनी भी बड़ी कामयाबियां या फिर नाकामियां देखी हैं, अहमद पटेल उसके गवाह रहे हैं। नेपथ्य में रहकर वह हमेशा ही 10 जनपद के चाणक्य की भूमिका निभाते रहे। तमाम उठापटक के बीच उनकी निष्ठा असंदिग्ध रही। पार्टी के लिए साधन जुटाने का काम हो, किसी संकट से किसी को उबारने का काम हो, अहमद पटेल इसमें माहिर थे। घनघोर कांग्रेसी होने के बावजूद तमाम पार्टियों में उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। आइए उनके सफर पर डालते हैं एक नजर। 10 जनपद के चाणक्य थे अहमद पटेल। 28 साल की उम्र में ही सांसद बन गए थे अहमद पटेल। 1977 में भरूच लोकसभा सीट से जनता पार्टी की आंधी में भी जीते। 8 बार संसद के सदस्य रहे, 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा के। 1977 से 1982 तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1986 में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने। साल 2001 से ही सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। साल 2017 में कड़े मुकाबलों में 5वीं बार राज्यसभा सदस्य बने।
21 अगस्त 1949 को गुजरात के भरूच जिले के पिरामण गांव में जन्मे अहमद पटेल ने भारतीय राजनीति के कई बदलते मौसमों को काफी करीब से देखा था, लेकिन खुद कभी नहीं बदले। हर संकट में वो आलाकमान के साथ न सिर्फ खड़े रहे बल्कि उन्हें इससे उबारा भी। जाहिर है उन्हें खोकर कांग्रेस ने अपना एक बेहद मजबूत सिपाही खो दिया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब गृह मंत्रालय ने सर्विलांस, कंटेनमेंट और सावधानी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस में कोरोना से बचाव के लिए कौन कौन से नियम जोड़े गए हैं जाने यहाँ। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई। कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर रोक है, लेकिन आवश्यक गतिविधियों की इजाजत जारी रहेगी। राज्य और यूटीज को कंटेनमेंट जोन में नियमों को सख्ती से लागू करवाना होगा। नियमों के पालन के लिए लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जिम्मेदार होगी। इन्हें सभी जिलों के कंटेनमेंट जोन की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। सर्विलांस टीम घर घर जाकर कोरोना के लक्षण वालों की पहचान करेगी। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति की समीक्षा के बाद नाइट कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि राज्य सरकारें केंद्र से सलाह किए बगैर स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगी। इसके अलावा इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से इजाजत, मंजूरी या ई पास की भी जरूरत नहीं होगी। दिक्कतों से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। ग्राहकों पर बैंक से अपना पैसा निकालने को लेकर अब कोई रोक नहीं होगी। दरअसल कैबिनेट ने इस बैंक के डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान ये भी कहा कि सरकार ने आरबीआई से कहा है कि वो मैनेजमेंट के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिसके चलते बैंक की ये हालत हुई। दरअसल सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक को मॉरेटोरियम में डालते हुए 25,000 तक की निकासी समेत कई दूसरी पाबंदियां लगा दी थी। अगर बैंकिंग से जुड़ा कोई काम पेंडिंग है तो बुधवार को ही निपटा लें या फिर आगे के लिए टाल दें, क्योंकि गुरुवार को सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल की वजह से पूरे देश में बैंकिंग का काम प्रभावित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लाखों बैंकर भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार के 3 नए श्रम कानूनों के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की घोषणा की है। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगती सीमा पूरी तरह सील कर दी है। राजधानी के लिए निकले किसानों को पुलिस ने चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर रोका। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। यहां भारी संख्या में किसान जमा हो गए थे। खेती से जुड़े 3 कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान 26 से 27 नवंबर को दिल्ली चलो के बैनर तले राजधानी में प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसानों के पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। एनआईए ने बुधवार को पीडीपी यूथ विंग के अध्यक्ष वहीद उर रहमान पर्रा को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने सस्पेंडेड डीएसपी देविंदर सिंह टेरर मामले में वहीद पर कार्रवाई की, साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन करने का भी आरोप लगाया। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने वहीद की गिरफ्तारी को निराधार बताते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पर्रा की तारीफ कर रहे हैं। वहीद पारा को इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम उन्होंने यहां पर ऑर्गेनाइज किया है। मुफ्ती ने यह भी कहा कि वहीद ने डीडीसी चुनाव के लिए नामांकन किया है और फिर उन पर ये कार्रवाई की गई। नागपुर के संतरा कारोबारी इस सीजन संतरों की बिक्री से बेहद खुश हैं। इस साल हुई अच्छी बारिश से संतरों की पैदावार काफी अच्छी हुई है, जिसका असर उनकी बिक्री पर दिख रहा है। संतरा कारोबारियों के मुताबिक नागपुर के संतरों की बाजार में काफी डिमांड है और इसकी बिक्री भी बढ़ी है। कारोबारियों के मुताबिक संतरों और दूसरे फलों की बिक्री पर कोरोना महामारी का असर नहीं पड़ा है, जिससे वो काफी खुश हैं। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच अब अमेरिका से आए 2 प्रेडेटर ड्रोन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इन्हें भारत चीन सीमा पर तैनात किया जा सकता है। एनआईए के मुताबिक इन्हें 21 नवंबर को नौसेना के आईएनएस रजाली बेस पर फ्लाइंग ऑपरेशंस में शामिल किया गया था।
भारतीय चीन विवाद को देखते हुए आपात खरीद के तहत इन दोनों ड्रोन को एक साल के लिए लीज पर लिया गया है। साथ ही अमेरिका से ऐसे और 18 ड्रोन खरीदने की तैयारी चल रही है। 93 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से मलयाली फिल्म जलीकट्टू को नॉमिनेट किया गया है। एस हरीश और आर जय कुमार की किताब माओइस्ट पर बेस्ड ड्रामा थ्रिलर जलीकट्टू ने खूब तारीफें बटोरी हैं। लिजो जोस पेलेसरी के निर्देशन में बनी यह फिल्म इंसानों और जानवरों के बीच इमोशंस को बखूबी दिखाती है। भारत की ओर से ऑस्कर में जाने के लिए जलीकट्टू के अलावा शकुंतला देवी, शिकारा, गुंजन सक्सेना, गुलाबो सिताबो, सीरियस मैन, बुलबुल, कामयाब, द पिंक स्काई और मराठी फिल्म बिटर स्वीट और डिसाइपल भी देश में शामिल थीं।